बीजेपी कार्यकर्ताओं का लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन साधना मंगलम छोटे माता की भारत माता की। जो भी कार्यकर्ता पीछे खड़े हुए हैं उनसे मैं पुनः करवत निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच के सामने जो कुर्सियां हैं उसमें अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे समस्त अतिथियों का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ओपी चौधरी जी और मुख्य वक्ता माननीय श्री दयालदास बघेल जी भी कुछ ही पलों में हम सबके बीच में रहने वाले हैं। ऐसे में कार्यक्रम को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए सभी कार्यकर्ता जो पीछे खड़े हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मंच के बाईं ओर जो कुर्सियां लगी हुई है, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णु देव साय जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद। आज दुर्ग शहर विधानसभा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित दुर्ग के सम्माननीय सांसद आदरणीय विजय बघेल जी मंच में विराजमान, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सम्माननीय संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी मंच में विराजमान, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी बनते हुए आए हैं। और ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। हमारे जो केंद्र में बैठे जो नेता है, मान्य जो विश्व के जो नेता है, जो विश्व को आज दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार देश के नेतृत्व तो करने के लिए हम और आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, पिछले बार जो हमारी सरकार केंद्र में जो काम किया, लोगों के मन में जिनस में है, छोटे छोटे योजना लेके काम कर रहे हैं। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू का स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आग्रह है हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। विधायक श्री ललित चंद्राकर जी से अनुरोध करता हूँ।